यहाँ पे एरर आ जाता था, तो अभी देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी 60, 80, 93% हो चुका है, जॉब डन हो चुका है। हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट और लेकर के आया गाइस आपके लिए। तो आज हमारे पास सैमसंग का A20 मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देख लोगे मॉडल, आपको मैं चालू करके दिखा दूंगा। इस सैमसंग का A20 है, तो इसमें आ रहा है चार्जिंग का एरर आ रहा है। और चार्जिंग का एरर मैं यहाँ पे आपको पूरा डेफिनेशन के साथ, पूरे इसके सप्लाइयों के साथ बताने वाला हूँ कि ये एरर है क्या। अब किसी भी यूट्यूब में आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी कि एरर आता क्यों है, कैसे है, क्या आप यहाँ से जंपर मार दो, वहाँ से जंपर मार दो, आपका सोल्यूशन हो जाता है। बट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ आपको पूरी डिटेल के साथ कि क्यों आता है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ डाटा केबल लगा करके कि एक्चुअल में एरर क्या आ रहा है, फिर मैं इसके बाद इसमें सारा आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसके डाटा केबल को लगाता हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे चार्जिंग हमारा शो करेगा। अभी फ़िलहाल ये देखिए चार्जिंग का आइकन तो बन गया, फिर अभी एक एरर आएगा जैसा भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे सारी चीज़ें। तो अभी तो फ़िलहाल तो देख सकते हैं ये एरर। तो ये एरर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है टेम्परेचर का हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का नहीं है। ये एरर जो है टेम्परेचर हाई का एरर है। ये बेसिकली आता है आपका बोर्ड में अगर वाटर डैमेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा चीज़ इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब कुछ, और आपके सामने लाइव इसको करने वाला हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को बताया, जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये आता है बेसिकली थर्मिस्टर के कारण। थर्मिस्टर एक रजिस्टर का प्रकार होता है, जैसा कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं। आप वीडियो में देखोगे तो आपको बोला जाएगा यहाँ से उठा के यहाँ जंपर मार दो, यहाँ से उठा के यहाँ जंपर मार दो, यहाँ जंपर मार दो। जंपर हम क्यों मारते हैं गाइज़? क्योंकि अगर हमारी ट्रैक ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी बातें करूँगा टेक्निकल लैंग्वेज से बातें करूँगा आपको, तो बेसिकली हमें जंपर तब मारना होता है जब सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो चलिए मैं अभी आपको चेक करके बताऊँगा जहाँ पर जंपर मारा जाता है वो सप्लाई पूरी सही है। आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा रजिस्टर, इसको थर्मिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर का प्रकार होता है थर्मिस्टर। तो ये थर्मिस्टर लगने के कारण, एक थर्मिस्टर चार्जिंग सेक्शन के पास, एक नेटवर्क सेक्शन के पास, एक पावर सेक्शन के पास लगा हो सकता है थर्मिस्टर। क्योंकि काम उसका वही होता है कि जब ये खराब हो जाता है, लीक हो जाता है, तो आपको जैसे कि कंट्रोलिंग के लिए होता है, कूलिंग के लिए होता है। तो बेसिकली अगर आपके ओवर टेम्परेचर होता है फ़ोन, तो इसके लिए होता है, कंट्रोल के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो थर्मिस्टर, मैं आपको यहाँ पर टच करके थोड़ा सा दिखा दूँ, टच करने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं ये वाला जो थर्मिस्टर है, ये कॉयल नहीं है, ये कॉयल के जैसा ही दिखता है फ्रेंड, पर ये कॉयल नहीं है, ये थर्मिस्टर है। हम इसको सारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, क्योंकि बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है गाइज। क्योंकि अगर इसमें थर्मिस्टर लगा हुआ है तो आप सीधा केयर से इस पीसीबी को, सब पीसीबी को चेंज कर देंगे तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी में थर्मिस्टर लगा हुआ है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे सामने लाइव करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं चेक कराऊंगा कि जहाँ पे जो जंपर मारने के लिए बोला जाता है बेसिकली रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमारी जो ये लाइन है, सप्लाई है, हमारी जो चार्जिंग की सप्लाई है, वो सारा कुछ ओके है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर चलिए चेक करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो चलिए मैं आपके सामने लाइव चेक कर देता हूँ गाइस, क्योंकि जो हमारा ये सप्लाई है, बोला जाता है आप यहाँ पे रीडिंग जंपर मारो, तो आपको यहाँ पे जूम से थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ देखिए रीडिंग भी दिखाई दे रही है, मतलब ओके है। फिर बोला जाता है कि आप यहाँ से उठा करके यहाँ जंपर मार दो, तो यहाँ भी अगर हम चेक करते हैं तो देखिए वो हमारी रीडिंग ओके आ रही है। क्योंकि ये जो दोनों सप्लाई है, अगर ये ब्रेक हो जाती है गाइस, आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं, ये देखिए ये कोई भी बीप नहीं आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो ये सप्लाई हमारी बेसिकली देखिए कम्प्लीटली आ रही है, और यहाँ भी सप्लाई हमारी आ रही है। तो बोला जाता है कि आप यहाँ से उठा करके यहाँ जंपर मार दो तो भी हमारा प्रॉब्लम एरर हो जाता है। ये वाटर डैमेज के कारण केस होता है। फिलहाल जो यहाँ पे हमारा ये थर्मिस्टर लगा हुआ है गाइस, तो इस थर्मिस्टर को हम करने वाले हैं रिमूव आपके सामने लाइव। तो चलिए हम थर्मिस्टर को हम कर देते हैं रिमूव गाइस, यहीं पर हम थर्मिस्टर को कर देते हैं ये रिमूव। चलिए ये देखिए हमने यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ था, उस थर्मिस्टर को हमने कर दिया यहाँ पे रिमूव, वो थोड़ा अंदर चला गया। तो अब देखते हैं फिर से चार्जिंग में लगाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे। क्योंकि सबसे पहला होता है थर्मिस्टर को रिमूव कर देना या रिप्लेस करना, तो आप थर्मिस्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने थर्मिस्टर को रिमूव कर दिया है, यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ था जो हीट को, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है यहाँ पे बेसिकली। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम दिखाते हैं फ्रेंड गाइज इसको कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ये बेसिकली जो एरिया था, ये चार्जिंग का एरिया है, जैसा कि आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप देख पाओ तो। फिलहाल मैं जूम करके और आपको फिर से और दिखा दूंगा। तो चलिए फिलहाल ये जो है हमारा ओके है, नहीं होता है तो फिर हम यहाँ से भी काम करेंगे। इसकी जो सप्लाई है यहाँ पे, इस कनेक्टर पे मैं बात करा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ सब पीसीबी में।
तो अगर आप यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे देखोगे तो आपको बीप मिल जाएगा। ये देखिए आपको बीप सुनाई दे रहा होगा, मतलब ये ट्रैक हमारा बिल्कुल सही है, ओके है और हमारी रीडिंग भी आएगी। तो चलिए एक बार रीडिंग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, क्योंकि मैंने थर्मिस्टर को आपके सामने लाइव निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी रीडिंग आपको शो हो जाएगी। ये देखिए रीडिंग भी हमारी ओके। तो चलिए फिलहाल अभी चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लाइव ही करेंगे और आपको सब कुछ एकदम लाइव दिखाएंगे कि हमारा बेसिकली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइस। तो अभी फ़िलहाल तो चार्जिंग का आइकन आ गया, इतना तो आ ही रहा था। अब आगे देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा बना हुआ है, क्योंकि थर्मिस्टर जो वो था उससे हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे थर्मिस्टर को भी चेंज कर दिया, और थर्मिस्टर के चेंज करने के बाद ये जंपर भी जो आपने वीडियो में देखा है कि यहाँ से उठा करके आप यहाँ जंपर मार दो, हमने वहाँ भी इसको बाईपास कर दिया, फिर भी हमारा एरर आ ही रहा था। तो फ्रेंड आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने एक दूसरे फ़ोन का रखा हुआ है, सेम बोर्ड रखा हुआ है। तो ये बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था कि वाटर डैमेज के कारण होता है। आप उसका CC चेंज करोगे तो आपका 100% सही हो जाएगा। ये प्रॉब्लम CC चेंज करोगे तो भी आपका 100% सॉल्व हो जाता। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे प्रोसीजर था, आपका सबसे मेन प्रोसीजर होता है थर्मिस्टर को रिमूव करना। तो मैंने यहाँ पे थर्मिस्टर को गाइज रिमूव कर दिया था, आपके सामने मैंने रिमूव किया हुआ था जैसा कि मैंने दिखाया। फिर मैंने इसको चेंज भी किया, फिर मैंने यहाँ पे उठा करके जंपर भी मारे, और जंपर मारने के बाद भी सेम प्रॉब्लम था। तो सेम प्रॉब्लम होने के बावजूद गाइज तो आपको क्या करना है, सब सीधा मैं PCB को चेंज करूँगा, और PCB को चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर नहीं होता है तो फिर आगे हमारे सर्किट चार्जिंग सर्किट में प्रॉब्लम है, वहाँ की जो थर्म की लाइन है वहाँ से प्रॉब्लम है, फिर हमारी पावर IC से प्रॉब्लम हो सकती है, चार्जिंग IC से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम, तो चलिए इसको फटाफट चेंज करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे अभी चार्जिंग पिन भी CC भी चेंज करोगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे बोर्ड ही चेंज कर रहे हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो गाइस चलिए फटाफट इसको हम चेंज कर देते हैं, आपके सामने मैं सारा चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ लाइव। तो मैं इसको लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे PCB का है ये। ये आपको मैंने फुल गाइड के लिए बताया है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े कि ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जंपर जो हमने मारा था ये हमने प्रॉब्लम सब कुछ कर दिया। यहाँ पे जंपर भी मार दिया, थर्मिस्टर भी चेंज कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लगाया चार्जिंग, चार्जिंग को लगाया गाइस, अब देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, ये चार्जिंग का लोगो आ गया, ये पहले भी आ रहा था बेसिकली, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा था। तो अभी देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी 60, 80, 93% हो चुका है, जॉब डन हो चुका है, मतलब ये हमारा जॉब डन हो गया है गाइस। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये ट्रिक मैंने सारा सब कुछ बताया, अगर यहाँ इसको चेंज करने से भी नहीं होता तब आपको क्या करना होता, सारी चीज़ आपको फिर चार्जिंग सेक्शन पे काम करना होता, थर्म की लाइन को ढूंढना होता और यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते। तो फिलहाल ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। मैंने यहाँ पे फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, आई होप मैंने प्रैक्टिकल के साथ भी वीडियो बनाई। मैंने यहाँ पे देख सकते जंपर ही मारा, थर्मिस्टर को भी चेंज किया तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं आप वीडियो को डिटेल के साथ देखें। अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो ये मेन प्रॉब्लम था CC का, इसमें आप CC भी चेंज करोगे तो भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये जंपर मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।